मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को दौड़ाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी में तो काफी जोर शोर से काम हो रहा है। इसके लिए जिले में 160.81 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी, जिनमें से 60.19 हेक्टेयर जमीन किसानों से ली जाएगी, जबकि बाकी सरकारी जमीन उपलब्ध है। बुलेट ट्रेन के दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर को लेकर एडीएम प्रशासन दिवाकर सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि किसानों से आपसी समझौते के आधार पर जमीन खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। परियोजना से प्रभावित किसानों को 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून का लाभ मिलेगा। इस अहम बैठक में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने परियोजना की विस्तृत जानकारी साझा की। इस परियोजना को 4 चरणों में पूरा करने की तैयारी है। पहला चरण दिल्ली से आगरा, दूसरा चरण आगरा से लखनऊ, तीसरा चरण लखनऊ से प्रयागराज और चौथा चरण प्रयागराज से वाराणसी तक का होगा। 865 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट पर 1.21 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। कहां कहां रुकेगी बुलेट ट्रेन? दिल्ली के सराय काले खान से चलने वाली बुलेट ट्रेन का पहला पड़ाव नोएडा सेक्टर 148 होगा। इसके बाद जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, कन्नौज, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही में ट्रेन रुकेगी। इस रूट का आखिरी स्टेशन वाराणसी होगा। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी महज 2.5 घंटे में पूरी करेगी, जबकि दिल्ली से वाराणसी तक पहुंचने में 4 घंटे का वक्त लगेगा। इस कॉरिडोर पर सिर्फ नोएडा ही ऐसा जिला है जहां सेक्टर 148 और जेवर एयरपोर्ट 2 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे दिल्ली टू जेवर की 62.5 किलोमीटर की दूरी महज 21 मिनट में पूरी हो जाएगी। नोएडा में एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे ये कॉरिडोर जाएगा, यानी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और फिर यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे से आगरा तक ये कॉरिडोर जाएगा। नोएडा में ये बुलेट ट्रेन जमीन से 12 फुट ऊपर बने ट्रैक पर दौड़ेगी, जबकि इसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची रेलिंग्स भी लगाई जाएंगी, जिससे ट्रैक के पास तक कोई ना पहुंच सके। बताते चले आपको, इस परियोजना के लिए 70% जमीन पहले से ही मौजूद है। बाकी जमीनों के अधिग्रहण के लिए सरकार कोशिश कर रही है। बुलेट ट्रेन परियोजना पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, ऐसे में इसे पूरा होने में देरी की गुंजाइश कम है।